हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी जेआरएफ की तैयारी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग राखी। आजिए फटाफट, बढ़िया ही रहना है सबको, है ना? जल्दी से आ जाइए सब, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज एमसीक्यूज करा रही हूँ आप लोगों को, और वो भी पता है क्या, सरप्राइज टेस्ट है एक तरीके से। यूनिट फर्स्ट जो आपने कर ली है उसका टेस्ट है। देखते हैं कितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, कितने बच्चे कैसे कर रहे हैं, है ना? कौन बच्चा कितना पानी में है ये हमें पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत होना चाहिए टेस्ट भी ना, बहुत दिनों से टेस्ट हुआ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुहेर आमा शशिका गुप्ता, यू यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं इन माय वे। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं फिलर फॉर्म के, इनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको ईजिली मिल जाएगी। सो देखो, हमारी क्लास तो एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट होती है। सो बहुत अच्छा कोट है आज, बिल्कुल प्योर हिंदी में लिखा हुआ है। अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आज आपके सपनों पर हंस रहे हैं ना, कल वही आपके लिए तालियां बजाएं, क्लैपिंग करें। समझ में आया? आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग आपसे कह रहे हैं अरे ये तुझसे नहीं होगा, अरे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अरे ये अरे वो, ऐसा वैसा, 3 बार एग्जाम दे दिया, 2 बार एग्जाम दे दिया, पेपर ही नहीं निकल रहा है, ऐसा वैसा, जो भी लोग आपके नेगेटिव कमेंट्स आपको जो सुनाई देते हैं अपने आसपास के लोगों से, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, वो आज मान लो हंस रहे हैं आपकी मेहनत को देख के, ठीक है, कल वही क्या करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग भी करेंगे। क्या करेंगे? क्लैपिंग भी करेंगे वो लोग आपके लिए, है ना? इसलिए कहते हैं अपनी मेहनत पे, अपने रास्ते पे, अपने लक्ष्य पे पूरा पूरा भरोसा करके चलिए, क्योंकि जहां भरोसा डगमगा गया वहां पे कोई भी चीज हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपकी कोई भी चीज आप कर रहे हो, एक्स वाई जेड, आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अगर डेवलप नहीं है तो आप उसमें एक परिपक्व नहीं हो पाते हैं किसी भी काम में। तभी कहते हैं चाहे आप काम कैसा भी कर रहे हो, आपको इतना पूरी तरीके से नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता ना कोई बात नहीं, तो उसको अच्छे से करो, जितना आता है उतना अच्छे से करो। ये नहीं कि करना ही नहीं है या एवी करना है, नहीं, जितना आता है उसको भी अच्छे तरीके से करिए, है ना? सो अच्छी सी एक स्माइल दे दो फटाफट, स्माइल प्लीज। देखो बोल रहा है आपको, स्माइल प्लीज, कह रहा है स्माइल कर दो।
So all the very best. Today is your test unit first. All the best learners. Okay? All the best. मैंने आपको पहले ही बोल दिया. अब आपको उस पर कितना खरा उतरना है ये आपके ऊपर है. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है. Which of the following items is not included in the invisible terms of balance of payment? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भुगतान संतुलन की अदृश्य वस्तुओं में शामिल नहीं है? Shipping, बीमा, माल का निर्यात और आयात, उपरोक्त में से कोई नहीं. Shipping, insurance, export and import of goods, none of the above. हाँ जी, आंसर बता दिया. ओके, कैसे ए होगा आंसर? कैसे ए होगा? शिपिंग आएगा. क्यों? शिपिंग आता है आपका. ये इनविजिबल जो आइटम्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बीओपी में जो आता है भुगतान संतुलन के अंदर, शिपिंग आएगा. क्यों? इसका राइट आंसर सी होगा बेटा. माल का निर्यात और आयात बीओपी में इंक्लूड नहीं होता, इनविजिबल आइटम्स हो जाते हैं, नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, शिपिंग तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा. सेकंड पे आ जाओ. भुगतान संतुलन खाते में निर्यात और आयातित सभी वस्तुओं को दर्ज किया जाता है. इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑल गुड एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन. देखो मैं आज बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि तुम लोगों को कितना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ. मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ये एक तरीके से समझ लो एक टेस्ट है. ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स, मर्चेंडाइज अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पूंजी खाते, मर्चेंडाइज खाता, चालू खाता और बचत खाता. बताइए. बताइए जल्दी. सेकंड का आंसर आ गया समझ? अरे ये क्या दब गया. सेकेंड का आंसर क्या होगा? ये क्या हो रहा है स्क्रीन में? स्क्रीन में क्या हो रहा है?
ठीक है ना? हाँ बताओ जल्दी से, सेकंड का आंसर क्या होगा? हरी अप एवरीवन, बताइए। बताइए क्या कर रहे हो आप लोग, बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे थोड़ा ना पढ़ा पाऊंगी फिर मैं बेटा, जब तक बोलोगे नहीं आगे कैसे बढ़ूं मैं? सेकंड लिख दिया करो, ठीक है? सेकेंड ऐसे थर्ड लिखो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना मुझे आप किसका आंसर दे रहे हो। बाकी सब यस, द राइट आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड बताओ। इफ अ कंट्री हैज अ फंडामेंटल डेफिशिएट हो जाता है उसको इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इट शुड रिसोर्ट क्या करेगा, किसका सहारा लेगा वो? यदि किसी देश को भुगतान संतुलन में मूलभूत कमी हो जाती है तो वो किसका सहारा लेगा? बताइए। मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आ रहा। ऐसा करते छोड़ो अभी इसको, इसको छोड़ दो एमसीक्यू, उसको बच्चे भी कम है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आंसर्स वगैरह में ना, इसको छोड़ते हैं। मिल्की थ्योरी रह गई थी ना, मिल्की थ्योरी पढ़ते हैं अभी, इसको रहने दो अभी यार, देखते हैं थोड़ी बहुत देर में देखेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि ऐसे मजा ही नहीं आ रहा, बच्चे भी नहीं है। या तो ऐसा करती हूँ इवनिंग के टाइम पे करवाऊंगी आप लोग, ठीक है? मिल थ्योरी रह गई थी ना हमारी, मिल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, इसके एडवांटेज क्या थे? ये हायर स्टैंडर्ड मोस्ट स्पेसिफिक हो जाता है ह्यूमंस के लिए, और ये रियल, चलो ये अभी बाद में हिंदी में समझाती हूँ, ठीक है? सो जॉन स्टॉट मिल ने क्या दिया था? द एल्डेस्ट सन ऑफ जेम्स मिल के बड़े सन थे, ठीक है? ठीक है, जेम्स मिल के सबसे बड़े बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल अपने समकालीन को एक शिशु विलक्षण के रूप में जाना जाता था, ठीक है? वॉज नॉन इट हिज कंटेम्परेरीज एज अ इन्फेंट प्रोडिजी। तो वो क्या बताते हैं, वह 3 साल की उम्र में ग्रीक सीखा उन्होंने, ठीक है? ही लर्न ग्रीक एट द एज ऑफ 3, ही लर्न ग्रीक एट द एज ऑफ 3, ठीक है? 6 साल की उम्र में अंकगणित और इतिहास, अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री एट द एज ऑफ 6, सो लैटिन एट द एज ऑफ 8, जो 8 साल की उम्र में उन्होंने लैटिन भी सीख लिया। देख लो, देखो सबसे पहले उन्होंने 3 ईयर्स में क्या सीखा, ग्रीक सीखा, फिर उन्होंने 6 ईयर्स में क्या सीखी, दो अर्थमेटिक और हिस्ट्री, फिर उन्होंने जो 8 ईयर्स के हुए तो उन्होंने लैटिन सीखा, ठीक है? सो लॉजिक एट द एज ऑफ 12, ठीक है? तर्क 12 12 साल की उम्र में, तो 13 साल की उम्र में अर्थशास्त्र, फिर कितनी साल की उम्र में, देखो 13 ईयर्स ओनली। सो और किस वर्ष की आयु में बेथामाइट्स राजनीतिक दर्शन 15 को उन्होंने देखा था, ठीक है? इकोनॉमिक एट द एज ऑफ 13 एंड बेंथमाइट पॉलिटिकल फिलोसफी एट द एज ऑफ 15, फिलोसफी जो भी था उनका उन्होंने 15th में सीखा था।
सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ये बताते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ पे. तो मिल किस पे बिलीव करते हैं? माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे. मिल किस पे बिलीव करते हैं? जो माल्थेस की थ्योरी हमने पढ़ी थी उस पे बिलीव करते हैं, उस पे अपना पूरा पूरा विश्वास करते हैं. ये जो भी माल्थस ने कहा है अपनी लैंग्वेज में, जिस तरीके से उसने बोला है, वो इस पे पूरी तरीके से फोकस करते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन हो जाता है द नंबर ओनली ऑफ द वर्किंग क्लास. ठीक है, ही वॉज देयर फॉर वरिड अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव लेबरर्स हु वर्क फॉर हायर. जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण. तो मिल जनसंख्या के माल्थेशियन सिद्धांत में विश्वास करते थे. जनसंख्या के हिसाब से वह मतलब केवल मजदूर वर्ग की संख्या थी, इसलिए वह संख्या में वृद्धि के बारे में चिंतित था. उत्पादक मजदूर जो किराए पर काम करते थे. ठीक है, ही वॉज देयर फॉर वरिड अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव लेबरर्स हु वर्क फॉर हायर. ठीक है, वह संख्या में वृद्धि के बारे में चिंतित था. उत्पादक मजदूर जो किराए पर काम, मतलब क्या बताते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण, वृद्धि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण के बारे में ये लोग बता रहे हैं. ठीक है, और इसमें माल्थस ने जो बातें कही थी उस पर कहता है मिल, मुझे पूरा पूरा तरीके से विश्वास है. ठीक है, अब जैसे जनसंख्या के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वह मतलब केवल मजदूर वर्ग की संख्या थी. मजदूर वर्ग की संख्या हो गई, देख रहे हो आप, लेबरर्स वगैरह हो गए, ये वर्किंग क्लास वाले लोग हो गए, इनकी कितनी ज्यादा मेंबरिंग हो रही है, लाइक कितने ज्यादा एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि इनको नॉलेज वगैरह होता नहीं है चीजों का, है ना. ही वॉज देयर फॉर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव लेबर हु वर्क फॉर हायर, है ना. मतलब ये किसके लिए परेशान है? ये इसके लिए परेशान है किसकी संख्या की वृद्धि में, किसकी? उत्पादक जो मजदूर पे किराए पे काम करते थे ना, उसकी संख्या को लेकर, क्योंकि लोग हैं ज्यादा, मजदूर हैं ज्यादा, काम उतना है नहीं. ठीक है, और लोग जब ज्यादा हैं तो उनको खिलाओगे पिलाओगे भी, राइट, उनको निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए भी देना, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, पिछड़े होते चले जाते हैं, फिर गरीब होते चले जाते हैं, फिर ऐसे ही बीमारियां लगती हैं, फिर देश में भी चीजें फैलती हैं, तो बहुत आस पड़ोस में सफाई नहीं रहती है, क्योंकि इंसान का सबसे जो उसके पास जो उसको बेसिक नीड्स है उसकी, अगर वो उसको नहीं मिल रही है, इट्स मीन तो चीजें कैसे करेगा आदमी, क्या करेगा. तो यही सब चीजें फिर उसे फेस करनी पड़ जाती है आगे चल के, फिर वो बड़े पैमाने पे आके रुकती है, रुकती भी क्या है, फिर वो बड़े पैमाने पे चली जाती है. मजदूरी निधि, वेजेस का फंड. तो अकॉर्डिंग टू मिल द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है ऑफ लेबर की इज वेरी हाई इन रेस्पॉन्स टू अराइज इन वेजेस. ठीक है, जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की लेबर की, ठीक है, श्रम की आपूर्ति की लोच में वृद्धि के जवाब में बहुत अधिक है वेतन. ठीक है, मजदूरी आमतौर पर न्यूनतम निर्वाह स्तर से अधिक होती है. ठीक है, मजदूरी का भुगतान पूंजी से किया जाता है. मजदूरी का भुगतान किससे किया जाता है? मजदूरी से किया जाता है. ठीक है, इसलिए वे मजदूरी का भुगतान करने के लिए पूंजी की मौजूदा निधि द्वारा सीमित है. वेजेस आर पेड आउट ऑफ कैपिटल. ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि श्रम की आपूर्ति की लोच में जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है वेतन से रिलेटेड अगर देखा जाए. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इज वेरी हाई इन रेस्पॉन्स टू अराइज इन वेजेस. ठीक है, वेजेस जनरली बढ़ रहे हैं. ठीक है, सब्सटेंस लेवल से, मतलब जो मजदूरी आमतौर पर न्यूनतम निर्वाह स्तर से अधिक होती है. ठीक है, मजदूरी का भुगतान पूंजी से किया जाता है. ऑफकोर्स जब तक पूंजी नहीं होगी तो मजदूरी का भुगतान कहाँ से करोगे, और मजदूरी का क्या किसी भी चीज का भुगतान नहीं कर सकते अगर आपके पास पूंजी नहीं है. आपको खाना है, आपको पीना है, आपको उठना है, बैठना है, ट्रेवल करना है, आपको स्टडी करनी है, आपको कुछ भी करना है, XYZ, पानी भी पीना है, यहाँ तक की वो भी आपको एक तरीके से किससे मिल रहा है, पूंजी से. तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं मिल रही है, आपको लग्जरीज लाइफ हो गई, आपको आप अपना कुछ भी XYZ करना चाहते हैं तो विदाउट कैपिटल तो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. इसलिए वे मजदूरी का भुगतान करने के लिए पूंजी की मौजूदा निधि द्वारा सीमित है. हैंस दे आर लिमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग फंड. जो फंड होता है थोड़ा बहुत, है ना, वो इसमें यूजेस मतलब फंड्स वगैरह जो थोड़ा बहुत आता है देखो, तो वो उसमें क्या करते हैं, वेजेस वगैरह में लोगों को दे देते हैं कि चलो इनका निर्वाह हो जाए, वो जरूरी है ना. सो क्रिटिकल था स्टेशनरी स्टेट नॉट अ रियलिटी. ये बोलते हैं कि जो ये वास्तविकता की सही नहीं है ये बात कि स्टेशनरी स्टेट, मतलब हमने स्टेशनरी स्टेट सोचा था ना कि ये सही है ना, तो ये वास्तविकता नहीं है. तो रिकार्डो बिलीव दैट द स्टेशनरी स्टेट, रिकार्डो का मानना था कि स्थिर अवस्था में आएगी. ठीक है,
रिकार्डो बिलीव दैट द स्टेशनरी स्टेट वुड कम अबाउट इन द फ्यूचर, ठीक है, कि स्थिर अवस्था में आएगी भविष्य जब पूंजी संचय बंद हो जाएगा। अब जब कैपिटल एक्युमुलेशन ही नहीं हो पाएगा, पूंजी का संचय ही नहीं हो पाएगा, तो फ्यूचर में आप क्या चीजों को एनालाइज करेंगे। तो मिल के लिए स्थिर स्थिति बहुत निकट थी, उन्होंने इसका स्वागत किया, आगमन किया, क्योंकि इससे आय के वितरण में सुधार होगा। आय के वितरण में क्या, एक टाइम पे आगे चीजें रुक जाएंगी, तो आपके पास ये पैसा वैसा है, ठीक है, और जब चलती रहती कंटिन्यूटी, तो आपको आपको पता होता है कि मुझे इसको देना है, मुझे उसको पैसे देने हैं, मुझे ऐसे खर्च करना है पैसे को, इस तरीके से खर्च करना है, तो सारी चीजें क्या होती है हमारे दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है। किस तरीके से घूमती है ये आपको भी पता है, ठीक है, कैसे क्या करना है, क्या है ये है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल कराऊंगी बेटा, बट अभी नहीं, अभी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स है कम, ठीक है, मुझे लगा स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाएंगे, बच्चे कम है, और आप खुद सोचो कि उनका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, और इवनिंग पे टाइम पे बच्चे मिलेंगे, अभी बच्चे थोड़े कम आ जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कोई लेट उठ रहा है, कुछ उठ रहा है, सच्चाई तो पता नहीं है, कोई रियलिटी में काम पे गया होगा, कोई कॉलेज गया होगा, है ना, सब तक का अपना अपना रूटीन है, बट मैं नहीं चाहती किसी का नुकसान हो, है ना, मैं ये नहीं चाहती, डेट्स वाई मैंने एमसीक्यूज रोक दिए, क्योंकि और बच्चे को लाइव जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, अग्री करते हो ना आप, जैसे मैं आपको लाइव करा रही हूँ, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, बच्चे वो इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं फिर, बेटा टेस्ट से ही पता चलता है राखी स्कोर का तो, बट ये ना मैं आप एक दो बच्चे के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती ना, सब बराबर हो आप मेरे लिए, है ना। लेक्चर देखो, मैं लेक्चर हमेशा पढ़ा देती हूँ, लेक्चर के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ, क्वेश्चंस में जब तक बच्चे ज्यादा होते हैं ना, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे कराने में भी मजा आएगा, और बच्चों को अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, एक दूसरे से आप सीखते हो कि देखो उसके चार क्वेश्चन सही है, मेरे तीन है, तो फिर मेरी गलती कहाँ है, तो ये सब ग्रुप में थोड़ा एनालाइज अच्छा हो जाता है। सो रॉन्ग नोशन ऑफ वेजेस फंड, ठीक है, मतलब मजदूरी निधि की गलत धारणा जो हमने सोची। तो रिकार्डो के विपरीत अगर देखा जाए, तो मिल का मानना था कि मजदूरी निधि किस पर निर्भर करती है ना। अनलाइक रिकार्डो, मिल बिलीव दैट द वेजेस फंड डिपेंडेड अपॉन द एग्रीगेट फंड ऑफ कैपिटल एंड दैट वेजेस वर पेड आउट ऑफ कैपिटल एज एडवांसेस। ही देयरफॉर आर्ग्यूड दैट ट्रेड यूनियंस कुड रेजेस वेजेस। पूंजी की कुल निधि और उस मजदूरी का भुगतान अग्रिम के रूप में पूंजी से किया जाता था, इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि ट्रेड यूनियन बढ़ा सकती है। मतलब उसने भाई, मतलब पूंजी की जब आप चीजें बढ़ाओगे, ठीक है, तो मजदूरी वगैरह भी आप काम करवा रहे लोगों, तो मजदूरी भी अच्छी दोगे जब पूंजी बढ़ रही है आपके पास, ठीक है, तो उन्होंने एक तर्क दिया कि ट्रेड यूनियन को भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसमें हम उसमें भी वेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड आ गया, माल्थुसियन थ्योरी इज रॉन्ग। माल्थुसियन की जो थ्योरी थी वो गलत है। मिल वॉज अनड्यूली पेसिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द माल्थुसियन थ्योरी। द माल्थुसियन थ्योरी हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग इन द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज। जो माल्थुसियन की थ्योरी थी, सिद्धांत गलत है। मिल किस संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि के बारे में अनुचित रूप में निराशावादी होता है? तो माल्थुसियन का सिद्धांत था जो, ठीक है, नाम तो इतने बड़े बड़े होते हैं इनके, माल्थुसियन, ठीक है, सिद्धांत दुनिया के पूंजीवादी देशों में गलत साबित हुआ था। क्या क्या गलत साबित हुआ था? माल्थुसियन का जो सिद्धांत था वो दुनिया के पूंजीवादी कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थी, जहाँ पे पैसों का होता था, ठीक है, पूंजीवादी जो देश होते थे, उसमें क्या हुआ था, जो माल्थुसियन की थ्योरी थी वो गलत प्रूफ करी थी, ठीक है, क्योंकि आशावादी नहीं थे, निराशावादी थे, और आपको पता है जहां निराशावादी की बात होती है वहां पे आपका कोई भी ग्रोथ का आपको आसार नहीं दिखता है, वहां पे ग्रोथ का कोई भी आसार नहीं दिखता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नॉट ऑपरेटिव, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नॉट ऑपरेटिव,
सिमिलरली मिल बिलीव करता था इन द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन लैंड, जैसे कम रिटर्न का नियम ऑपरेटिव नहीं है। इसी तरह कानून के संचालन में मिल का विश्वास भूमि पर घटते रिटर्न को भी तकनीकी प्रगति से गलत साबित किया है। उन्नत देशों में जिसमें क्या बोला है, कानून के संचालन में मिल का विश्वास भूमि पर घटने रिटर्न की प्रगति को गलत साबित किया गया है। इसको क्या बोला गया, कम रिटर्न का नियम, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, घटते हुए की बात कर रहा है ये। घटते हुए क्रम की बात हमने पढ़ी थी, तो इसमें जो मिल इसमें बिलीव करते थे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो लैंड के ऊपर गलत प्रूफ हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन एडवांस कंट्री, मतलब उसकी बजाय आप टेक्नोलॉजिकल चीजों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये बोला है, ये चल सकते हो आप, ये नहीं कि नहीं चल पाओगे, चल सकते। ठीक है, ओके। लेजिस फेयर नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिसी, लेजिस फेयर को बोला गया एक व्यवहारिक नीति नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट का इंटरेक्शन इंटरवेंशन वगैरह हम लोग बोलते हैं कि नहीं है, पर इसमें बोल रहा है कि एक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। मतलब बोलने में तो ठीक है, बोलने में तो बहुत कुछ बोल दिया, तो ये बोल रहा है कि ये एक तरीके से ठीक नहीं है। तो मिल के आर्थिक मामलों में उदारता की नीति का समर्थन किया, लेकिन ऐसी नीति अव्यवहारिक है, मतलब देख रहे हो इम्प्रैक्टिकल है। मतलब ये कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, बोलने में तो आप ठीक है बोल रहे हो, ठीक है, बट इम्प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, नो इकोनॉमी कैन फंक्शन इन विच देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड नो इकोनॉमी कैन ग्रोथ विदाउट स्टेट हेल्प इन वन फॉर्म और द अनादर। ठीक है, लेजर फेयर नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिसी। लेजर फेयर जो पॉलिसी है प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। मिल फेवर्ड करते हैं द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर इन इकोनॉमिक अफेयर्स में, ठीक है, बट सच अ पॉलिसी इज इम्प्रैक्टिकल। ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। तो अगर देखा जाए, फैक्ट में देखा जाए, नो इकोनॉमी कैन फंक्शन इन विच देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कोई भी अर्थव्यवस्था में कार्य नहीं कर सकती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी रूप में मदद ली सक ले मदद के बिना विकसित नहीं हो सकता। ऑफकोर्स अगर आप एक दूसरे के देश की सहायता नहीं लेंगे, ठीक है, राज्य की सहायता एक दूसरे से नहीं लेंगे, तो इसमें कैसे आप आगे अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं ना दूसरों से एनालाइज कर लेते हैं कि मैं किस चीज़ में पिछड़ा हूँ या किस चीज़ में हम लोग यहाँ तक हैं, हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, हमें इसमें ये सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए है ये चीज़ें, तो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ये नहीं है कि बोल दिया और हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर कई अर्थशास्त्र थे जिन्होंने बोला बहुत कुछ और करने में रिजल्ट्स बहुत कुछ अलग आया। तो इसीलिए कहते हैं चीज़ों को देख के नहीं, कुछ एनालाइज करके नहीं, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ के भी देखना चाहिए। इसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी हो जाती है आपकी, ठीक है, मिल की थ्योरी की अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर। अ बेटर गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, एक बेहतर सरकार। जब आपको पता है आप किसी भी काम में आपको आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने देश की पॉपुलेशन को आगे लेके जाना है, ग्रोथ को आगे लेके जाना है आपको, है ना, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को आगे लेके जाना है, तो एक बेटर गवर्नमेंट होना, एक शासन एक अच्छा होना जरूरी है। क्यों, वो इसलिए होना जरूरी है क्योंकि क्योंकि एक बेटर गवर्नमेंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जब गवर्नमेंट अच्छी होती है ना, जो गवर्नमेंट आप सबके लिए चीजें कर रही होती है, तो फिर देश का कभी भी ग्रोथ नहीं रुक सकता, कभी विकास नहीं रुक सकता, याद रखना। सेकंड पॉइंट आता है मॉडरेट टैक्स। टैक्सेस क्या है, मॉडरेट है। टैक्सेस क्या है, मॉडरेट, मध्यम कर होना चाहिए। अब कर ये नहीं कि जरा सा भी सामान किसी ने लिया या कुछ भी है तो आपने क्या किया, उतने में ही उसको करा कि मतलब जैसे कुछ भी आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं उसमें टैक्सेस बहुत हाई उसमें लगा जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो टैक्सेस कैसे होने चाहिए, मॉडरेट होने चाहिए। मोर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्सट्रैक्शन अंडर द नेम्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, संपत्ति की अधिक पूर्ण सुरक्षा और करों के नाम के तहत मनमाने ढंग से निष्कर्षण से स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अ मोर परमानेंट एंड मोर एडवांटेजियस टेनर ऑफ लैंड सिक्योरिंग ऑफ द कल्टिवेटर। सॉरी, मैं ये बताई थी पहले, हाँ, मोर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्सटेंशन अंडर द नेम ऑफ टैक्सेस, ठीक है।
अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे मान लो सिक्योरिटी वगैरह पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड है ना, सुरक्षा करो के नाम के तहत मनमाने ढंग से निष्कर्षण से स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अ मोर परमानेंट एंड मोर एडवांटेजियस टेंचर ऑफ लैंड सिक्योरिंग ऑफ द कल्टीवेशन। अब देखो, जहां तक कि कृषि के लिए भूमि की अधिक स्थायी और अधिक लाभप्रद अवधि में संभव है, मतलब ये समझ लो जैसे किसान है, अब वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसकी खेती है, आपने सुना होगा पहले ज्यादा पैसा वाला आदमी होता था, दबा के उसकी जमीन हड़प लेता था या जो भी था, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ना ही ना कि इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक लैंड सिक्योरिंग वाली चीजें होनी चाहिए, मतलब जमीन के लिए हम कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं परमानेंटली, नॉट अ शॉर्टेज में बोला जा रहा है आपको, शॉर्टली वे में, बट उसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट का वेट दे दो। अरे खत्म हो गया? ओके। क्या पढ़ा दो बेटा? हाँ, इंटरफेयर नहीं है, हाँ जी, लेजर फेयर पॉलिसी जो हो जाती है आपकी। बताइए जल्दी, कहाँ गई राजलक्ष्मी? अरे बोलो जल्दी बेटा, ऐसे रुकोगे? कौन से कर्व की डेट बेटा? अभी तो मैंने कर्व जैसे जैसे आपको मैंने काफी चीजें बताई है कि इनकी डेट्स वगैरह उसमें स्लाइड्स में लिखा हुआ है, हाँ तो उनकी तो करनी होगी ना, और आप साथ में उसको अलग अलग करके लिख लो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके भी लिख लो। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे लगा आप बोल रहे हो एमसीक्यूज करा दो। चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, इवनिंग में मिलते हैं, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, ओके, इवनिंग में मिलते हैं, हो सकता है थ्योरी भी ले आऊँ, क्वेश्चंस भी करा दूँ, दोनों चीज़ करा दूँ, या क्वेश्चंस ही कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें, हो जाएगा वो 15 मिनट में। चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।